हाय एवरीवन, इट्स मी चिश्तिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ नहीं था आज आपके साथ शेयर करने के लिए, और मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। एक्चुअली सीरियसली बताऊँ, आज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। अपसेट क्यों थी वो मैं आपको नहीं बता सकती, बट थोड़ा सा मूड ऑफ था और इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है हमारे अंदर, बहुत गुस्सा आता है, मतलब हम दूसरों पर अपना गुस्सा निकालने लग जाते हैं। तो आज मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मैंने दूसरों पर गुस्सा भी निकाल लिया। और लेकिन सही बताएं, मुझे मतलब ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज सभी के साथ, सभी की ये प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को लेकर जब हम बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या जब हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हम बहुत सोचते हैं लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं और हमारी जो बिहेवियर है वो इतना गंदा बिहेवियर हो जाता है कि मतलब हमें हर जो भी हमारे से बात करता है ना, वो हर एक बंदा हमें गलत लगता है और हम सोचते हैं कि हम सही हैं, और जो हमारे से बात कर रहा है उसके ऊपर हम बरस पड़ते हैं, उस पर सारा अपना गुस्सा निकाल देते हैं, हमारी जितनी भी हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो सारी हम उसके ऊपर निकाल देते हैं। चाहे बच्चा हो बड़ा हो, हम ये नहीं देखते कि हम किससे बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो है वो बड़ा है कि बच्चा है या कौन है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी मैं किसी बात को लेकर। तो मैंने मतलब जो भी मुझसे बात कर रहा था, मैं सभी से इतना गंदी रूडली बात कर रही थी। कोई बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं उनको इतना मतलब डांट देती, या कोई बड़े बात कर रहे हैं तो मैं तेज आवाज़ में बात कर रही थी। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब सुबह से हो रही, और मुझे खुद को अपने आप पर, फिर शाम होते होते पूरा दिन मतलब ऐसा गया, तो मुझे शाम होते होते अपने आप पर गुस्सा आने लग गया कि यार मैं ऐसा कैसे कर रही हूँ मेरा बिहेवियर को। फिर मैंने 2 मिनट के लिए सोचा, मैं अभी बैठी हूँ तो अभी अभी ही बता रही हूँ मैं आपको, जस्ट अभी मेरा मूड थोड़ा सा सही हुआ है और बस मैं यही सोच रही थी कि यार मेरे बिहेवियर को क्या हो गया, मैं इतना गंदे से क्यों बिहेव कर रही हूँ। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ बात है तो आप किसी से शेयर कर लो, आप अपनी फ्रेंड से शेयर कर लीजिए, या आपको लगता है कि कोई आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है तो आप उससे बात कर लीजिए, जिसकी एडवाइस से आप मतलब अच्छा हो सकता है आप उनसे बात कर लीजिए। या आपको कुछ भी अगर आपके आसपास नहीं है कि आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको पता है YouTube है ना, YouTube पे आपको सारी वीडियोस मिलती है किसी तरह की, आप कैसी भी वीडियोस चाहें वो देख सकते हैं। अगर आप मोटिवेशन वीडियो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, अगर आप किसी तरह कॉमेडी वीडियो या कोई भी सॉन्ग ही सुन लीजिए, या कोई मूवी देखने का मन करे तो मूवी देख लीजिए। तो ऐसे ही करके मैंने YouTube पे मतलब 2-3 सॉन्ग डाले अच्छे अच्छे और वो सॉन्ग सुने मैंने। उसके बाद में मैंने मोटिवेशन वीडियोज़ देखी 1-2, एंड देन उसके बाद में मैंने एक और वीडियो देखी जो कि मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं, तो उनकी मैंने वीडियो देखी। उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी, बहुत अच्छे से, मतलब वो इतना अच्छे से सारी जो जितनी भी लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, उनको, वुमेन को इतना अच्छे से मोटिवेट वो करती हैं, इतनी अच्छे से मोटिवेट करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उनकी 2-3 वीडियोज़ देखी, तो सीरियसली बताऊँ उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बताई ना, तो मैं उनको देखकर और बस मतलब वो उनको सुनकर और मुझे मेरे अंदर वो सारी फीलिंग्स, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आने लगी, और मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी चल रही थी या जो भी मैं सोच रही थी वो सारी चीज़ें मैंने साइड में रख दी। मैंने कहा नहीं यार, ये मतलब जो हम सोच रहे हैं ना, वो एक तरह से अगर आप कोई अच्छा काम करने लगते हो ना, जब आप खूब मेहनत करते हो और आप कोई अच्छा काम करने लगते हो, तो हमेशा याद रखना आपकी मतलब कुछ टाइम बाद में है ना, कोई एक रुकावट आती है आपके बीच में, वो रुकावट मतलब आपको वो काम करने नहीं देती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, मैं मेहनत तो खूब कर रही हूँ, सब कुछ है, मतलब जो भी मैं कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, एक जस्ट एग्जांपल देके कि हम जो भी कुछ करते हैं तो हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ रोक रही है या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो किसी चीज़ से, तो बस आप ऐसा ही करो कि कोई अच्छी सी वीडियोज़ देख लीजिए, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं तो आप उनसे बात कर लीजिए और उनकी वीडियोज़ देख लीजिए, कुछ भी। तो बस मैंने वीडियोज़ देखी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिली। और अभी आपको मैं सीरियसली बताऊं,
अभी मैंने आपको जो लिपस्टिक दिख रही होगी, आप सोच रहे होंगे लिपस्टिक लगा के बैठी है और बोल रही है कि मैं मतलब मैं टेंस हूँ और मोटिवेशन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है ये सारी। तो सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कैमरे को हाथ में लिया है, मोबाइल को, और मैंने जस्ट मतलब मैं गई, जब मेरा माइंड एकदम थोड़ा सा सेट हुआ, सही हुआ, अच्छा हुआ, मतलब मैं थोड़ी हैप्पी हुई अंदर से, मैंने सारी चीज़ें सोची, मतलब पॉजिटिव चीज़ें मैंने सोची, नेगेटिविटी को सारी एक साइड में कर दिया और मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगी, सारी चीज़ें पॉजिटिव सोची कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा है, जो आगे मैं करूँगी वो अच्छा होगा और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। बट कुछ टाइम लगेगा उसमें, एकदम से सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली है। तो उसको देखकर, उसको सोचकर, सारी चीज़ें देखकर मैंने यस मतलब फिर से मैंने अपने आप को मतलब अपने आप को यस बोला और उसके बाद में मैं मिरर के सामने गई। और सबसे पहले आपको पता है, मैं आपको जब भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में होती हूँ या जब मेरा मूड बहुत अपसेट होता है या मैं मतलब अपने आप में कोई डल फील करती हूँ या कुछ ऐसा फील करते हैं कि भाई अच्छा फील नहीं करते, तो उस वक्त पता है अपने आप को मतलब एकदम से अच्छा बनाने के लिए आपको पता है मैं क्या करती हूँ, मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के और हल्का सा अपने फेस को थोड़ा सा मेकअप दे देती हूँ, हल्का सा मेकअप दे देती हूँ, जिससे फेस थोड़ा सा अच्छा लुक आने लगता है। और फिर आप जब अपने आप को मिरर में देखेंगे या आप अपनी सेल्फीज लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका मूड है ना वो सारा एकदम से एकदम अच्छा हो जाएगा। सीरियसली बता रही हूँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस मैंने यही किया, मैंने लिपस्टिक लगाई और अपनी आईब्रोज को हल्की सी फिल की बस, और फेस पर मैंने कॉम्पैक्ट लगाया बस, काजल नहीं लगाया। देखो हमेशा मैं काजल कितना सारा लगाती हूँ, मैंने काजल नहीं लगाया। तो बस ये हल्का सा मैंने ये किया और फिर मैंने अपने फ़ोन को उठाया और मैंने एक दो सेल्फी ली और उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना लेती हूँ। आज मेरी वीडियो एक ही गई थी, मतलब आज तो आपको वीडियो मिली नहीं और मैंने इसीलिए पूरे दिन वीडियो नहीं बनाई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और अभी मेरे पास जस्ट वो था नहीं कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ उसके लिए, मतलब प्रॉपर वो मैंने सारी चीज़ें ऐसे तो बहुत सारी माइंड में है कि मुझे यही वीडियोज़ बनानी है, लेकिन अभी जस्ट मैं थोड़ी सी वीडियो बनाना चाह रही थी। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मेरे साथ जो फील किया मैंने, जो मेरा पूरा दिन इतना गंदा गया, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ऐसा जब भी आप लोगों के साथ भी हो तो सीरियसली बता रही हूँ, आप कभी भी कभी भी कभी भी डिसीजन मत लेना किसी भी, अगर आप किसी भी चीज़ का, अगर आपको कोई मतलब बोले कि इसके लिए आप बताएं इसके लिए, मतलब आप कुछ भी काम के लिए एकदम से डिसीजन मत लेना कि यार ये कर दें वो कर दें, क्योंकि हमेशा जब हम गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारा माइंड ठिकाने नहीं होता है, तो हम हमेशा गलत कदम उठाते हैं और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो कभी भी आप उस चीज़ को मत करना। और अभी कभी अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स जिससे भी आप चाहें उनसे बात करिए, ताकि आपको बात कोई भी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम, कुछ भी हो, बट हम एक बार जब हमारा माइंड खराब हो जाता है ना, तब बस वही है कि हमें वो चीज़ें सारी नेगेटिव दिखने लग जाती है। तो आप अपने फ्रेंड से, किसी से भी बात करें तो आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी। और उसके बाद में अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो आपके पास अपना सेलफोन तो है, किसी कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं हो, हर एक के पास अपना मोबाइल होगा, एंड्रॉयड फ़ोन होगा, सब लोग यूट्यूब देखते ही होंगे, यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप लोग वो ज़रूर देखना और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं लग रहा है तो आप ये मेरी जो वीडियो अब अपलोड होगी, इस वीडियो को देख लेना, एक बार नहीं चार बार देख लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा आप हैप्पी हो जाओगे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाओगे और बस फिर आपका आगे कंटिन्यू सब अच्छा चलता रहेगा। तो ये छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई थी बिकॉज मैं आज ऐसा ही अपसेट हो गई थी, तो इसलिए, लेकिन अभी मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ और एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ सही है। और इसी तरह बस छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ, आज मैंने ये एक मतलब नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, बट कोई नहीं यार, आप भी तो फैमिली मेम्बर ही है ना। तो चलिए, चलो मैं बाय बाय, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो तो क्या बोल सकती हूँ, मैंने जस्ट ऐसी बनाई थी। तो चलिए बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। और हाँ, वीडियोस को शेयर करना और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस अच्छी अच्छी है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप उन्हें ज़रूर देखिए। और लाइक्स करना अगर वीडियो पसंद आती है तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।